हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कल्पनास कुकिंग लैब। आज हम बनाएंगे बहुत ही खास मिठाई जो कि बहुत ही कम समय में मात्र 10 मिनट में तैयार हो जाएगी और खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती है। इसके लिए हम ना तो यहाँ पे चीनी का यूज़ करेंगे और ना ही घी का यूज़ करेंगे, फिर भी ये मिठाई बहुत ही परफेक्ट बनेगी और आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 400 ग्राम आगरे का पेठा लिया है। यहाँ पे येलो कलर वाला यूज किया है, आप चाहे तो व्हाइट कलर वाला यूज कर सकते हैं। जिस भी कलर की आपको स्वीट का कलर पसंद है वो ले सकते हैं, या फूड कलर ऐड करके उसको मन चाहे कलर की स्वीट बना सकते हैं। तो इसको साइड में रख देते हैं। और 400 ग्राम ही मैंने यहाँ पे लिया है, ये मावा लिया है, इसको पहले से ही तैयार कर लिया था, बहुत ही सॉफ्ट है। और 200 ग्राम्स मैंने यहाँ पे लिया है कोकोनट पाउडर, अब इसको भी साइड में रख देते हैं। कुछ पिस्ता की कटिंग्स ली है गार्निश के लिए, और कुछ बादाम की कटिंग्स ली है हमने, और थोड़ा सा इलायची पाउडर लिया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इस आगरे के पेठे को मिक्सचर में चला के अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। आगरे के पेठे को हमने पीस लिया है, और पीसने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह का बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी एक जैसी हो गई है, अच्छा सा पेस्ट बन गया है। अब इसको हम एक साइड में रख देते हैं। गैस की फ्लेम ऑन कर दी है, और कोकोनट पाउडर जो हमने शुरू में लिया था 200 ग्राम, अब उसको हम 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे इसके अंदर। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखते हुए सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आ जाए। आज जो हम मिठाई बनाने जा रहे हैं, स्वाद में बहुत ही अच्छी होती है और बनने में बहुत ही कम समय लगता है, मात्र 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है और टेस्ट में बिल्कुल डिफरेंट लगेगी। कोकोनट पाउडर बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए फटाफट जल भी सकता है, इसलिए गैस की फ्लेम हमेशा लो रखें और इसको जल्दी जल्दी चलाते रहें। हमें बस इतना ही इसको सेकना है ताकि इसमें से खुशबू आने लग जाए। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुके हैं, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा लाइट सा कलर चेंज हुआ है। गैस की फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। अब आगरे के पेठे का जो हमने पेस्ट बनाया था उसको हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। हमने जो मावा लिया था उसको भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसके अंदर आगरे का पेठा का जो पेस्ट था वो कोकोनट पाउडर और मावा अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब इलायची पाउडर भी इसमें मिला देते हैं, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे और 5 से 7 मिनट तक इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। इस मिठाई में यदि आपको कोकोनट का टेस्ट थोड़ा कम पसंद आता है तो आप थोड़ी सी मात्रा उसकी कम ले सकते हैं। यहाँ 200 ग्राम लिया है, आप चाहें तो इसको 100 ग्राम भी कर सकते हैं, 150 ग्राम भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेस्ट में। लेकिन यदि ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा मावा ज़्यादा लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुका है, और अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, 3 घंटे हो चुके हैं और मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसको हम दूसरे कंटेनर में निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर थाली ली है, इसके अच्छे से घी लगा लेते हैं ताकि जब हमारी मिठाई जमाए तो टूटेगी भी नहीं। इस तरह से सारा मिक्सचर थाली के अंदर निकाल लिया है, और अब इसको हल्के हल्के से प्रेस कर देते हैं। इसको प्रेस करने के लिए मैंने ये लिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लिया है ताकि ये जो मिक्सचर है इसके चिपके नहीं और अच्छे से प्रेस हो जाए इक्वली। इस तरह से सारे मिक्सचर को हम अच्छे से प्रेस कर लेते हैं ताकि अच्छी सी बर्फ़ी जम पाए। अब इसके ऊपर थोड़ी सी बादाम और पिस्ता की कटिंग से गार्निश कर देते हैं, क्योंकि बिना गार्निश के तो मिठाई बिल्कुल अधूरी है। अब हमारी स्वीट को हम 2-3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, 2-3 घंटे हो चुके हैं और देखिए आप, हमारी मिठाई बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो आइए इसको काट के देखते हैं हम। मिठाई को काटने के लिए मैंने यहाँ पर चाकू लिया है, तो इक्वल पीसेस हम कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये मिठाई दिखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में भी उतनी ही यम्मी है,
एक बार आप ट्राई करेंगे ना तो हर बार आपको बनाने में कोई टेंशन नहीं है, फटाफट बना लेंगे। इस तरह से मैंने मिठाई के स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं और अब इसको साइड से भी सेपरेट कर लेते हैं। अब सारे पीसेस को हम अलग से निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने आसानी से निकल रही है और बहुत ही फ्रेश है। इस तरह से हमने सारे मिठाई के पीसेस को प्लेट में निकाल लिया है और आप देख सकते हैं लगभग हमारी 1 किलो मिठाई बनी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनी है और बहुत ही लाजवाब है। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।